जी जनाब चैप्टर सेशन वन के क्वेश्चन देखते हैं जी ये हामिद साजिद के आ, का सवाल है ये एक बड़ा मजे का सवाल है इसके कुछ वेरिएशन भी हैं तो मैंने इसके कुछ क्वेश्चंस रिकॉर्ड कराए हुए वन पॉइंट वन और टू हम स्किप कर रहे हैं उसको हम सेपरेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा वन पॉइंट थ्री की तरफ चलते हैं जो तो फॉलोइंग आर द फैक्टर्स ऑफ एक्सप्रेशन थ्री एक्स केयर माइनस सिक्स एक्स माइनस नाइन अच्छा इसमें थोड़ी सी फैक्टराइजेशन इन्वॉल्व है जी जनाब इस क्वेश्चन के फैक्टर्स देखते हैं जनाब थ्री एक्स स्यर थ्री एक्स स्क्र माइनस सिक्स एक्स माइनस नाइन सॉल्व करने का तरीके बहुत सारे हो सकते हैं एक तरीका तो ये भी हो सकता है कि हम ऑप्शनस को आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि किस को आपस में मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हम दोबारा इस पर पहुँच जाते हैं लेकिन ये सिंपल होता है जी लेट सपोज के uh, मैं कहता हूँ कि जी नाइन इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन है तो इसको डिफरेंट तरीक़ों से किया जा सकता है जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ थ्री एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स और माइनस थ्री एक्स माइनस नाइन अच्छा जी ये क्वेश्चन देखते हैं फैक्टर्स ऑफ एक्सप्रेशन निकाल लें तो अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता इसकी समझ नहीं आ रही तो आप क्या करें कि ऑप्शन को एक एक करके सॉल्व करना शुरू कर दें तो जो ऑप्शन आपस में सारी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसके इक्वल आएगी वो हमारा करेक्ट आंसर होगा लेकिन लेट सपोज कि अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीकों से सॉल्व करने की कोशिश करूं तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना होता है हम लोगों ने कॉमन लेना होता है इफ पॉसिबल तो कॉमन ले लिया है हमने माइनस टू एक्स माइनस थ्री अब हम लोगों ने इसकी जो है वो फैक्टराइजेशन करनी है एक बड़ी मज़े की चीज़ है uh, बजाय इसके कि आप लोग बिल्कुल कोई परेशानी करें आप सिंपल कैलकुलेटर पे इस इक्वेशन को जो कि कॉमन लेने के बाद आई है उसको पुट करें तो आपको ऑटोमेटिकली इसके आंसर्स बता देगा चलते हैं जी कैलकुलेटर की तरफ आपने बताना है एक्स uh, स्क्वायर के साथ है वन एक्स के साथ है जी माइनस टू और यहाँ पे है जी थ्री तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्स का पहला आंसर आएगा जनाब सॉरी ये है जी माइनस थ्री जो आप सॉल्व करेंगे एक्स का पहला आंसर आएगा जी थ्री एक्स वन इज इक्ल टू थ्री और दूसरा आपके पास एक्स का आंसर आएगा जी माइनस वन तो बस इसके बाद आपने ये करना है कि इसको इधर ले जाना है इसको भी इधर ले जाना है तो ये बचेगा जी एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस वन डैट सेट तो ये जो पूरा का पूरा फैक्टर है इसके दो फैक्टर्स हैं x माइनस थ्री और x प्लस वन तो हमारा जो आंसर है ये वाला तीन ये वाला x माइनस थ्री और ये वाला x प्लस वन तो ये हमारा आंसर होगा जी ऑप्शन बी तो हम लोग कैलकुलेटर के ऊपर भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहले सबसे पहले आपने उसमें से अगर कुछ कॉमन लिया जा सकता है तो वो कॉमन लेना है उसके बाद ये जो इक्वेशन है इसको कैलकुलेटर पे पुट करें एक्स के दो आंसर आएंगे एक्स के दोनों आंसर को एक तरफ ले जाए यानी कि जो इक्वल टू किस तरफ है उसको उस तरफ ले जाए इसको भी उस इस तरफ ले जाए तो आपके पास दोनों फैक्टर्स बन जाएंगे बहुत ईजी है ये कैलकुलेशन करना क्वेश्चन देखिएगा इफ कॉस्ट ऑफ फोर चेयर्स एंड सिक्स टेबल्स इज रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड वो कह रहा है कि जी चार चेयर्स और सिक्स टेबल्स की जो टोटल अमाउंट बनती है वो ट्वेंटी थाउजेंड बनती है अगर तो वो हमें कहता है कि कॉस्ट की टेबल कॉस्ट बताओ चेयर की कॉस्ट बताओ या टेबल की कॉस्ट बताओ तो वो हमारे लिए डिफिकल्ट होता लेकिन क्योंकि उसने जो में भी जो चीज़ पूछी है वो कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ चेयर्स और टेबल्स दोनों की अलग अलग ही पूछ, कठी पूछी है तो इसलिए हमें सिंपल क्या करना होगा ये देखना होगा देखिए कॉस्ट ऑफ फाइव चेयर्स एंड सेवन टेबल्स चार को पांच बनाने के लिए हमें इसको वन पॉइंट टू फाइव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो सिक्स नहीं बनेगा तो जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो अप्रोप्रिएट लग रही है वो ये लग रही है वो वाली फ्रैक्शन जो कि दो चेयर्स और तीन टेबल्स के साथ है यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन को दो पे डिवाइड कर दूंगा तो टू चेयर्स प्लस थ्री टेबल्स विल बी इक्वल टू टेन थाउजेंड बन जाएगा जो कि एग्जैक्टली वही बात है जो कि यहाँ पर लिखी हुई है तो कॉस्ट ऑफ टू चेयर्स एंड थ्री टेबल्स इज इक्वल टू टेन थाउजेंड सिंपल कॉमन सेंस के तरीके से ये सवाल सॉल्व होगा क्वेश्चन देखते हैं जी 1.5 पॉइंट फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द इक्वेशन एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू प्लस थ्री जब भी कभी आपको इस तरह से इक्वेशन दी जाए आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया करें तो ये है जी एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री इज टू जीरो तो टू वाई इधर ही रहेगा तो माइनस एक्स माइनस थ्री उधर चला जाएगा और अगर वाई भी वाई इधर अकेला कर दें तो ये माइनस वन ओवर टू एक्स माइनस थ्री ओवर टू इस तरीके से ये बन जाएगा तो ये है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन अब देखते हैं उसने कहा था वैल्यू ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस इज थ्री ठीक है जी वाई एक्सिस वाई इंटरसेप्ट के लिए हमें इक्वेशन में एक्स को जीरो रखना होगा तो एक्स को जीरो रखने से आंसर आता है एक्स को जीरो रखेंगे ये वाला सारा फैक्टर जीरो हो जाएगा आंसर आता है माइनस थ्री ओवर टू तो ये जो बात इसने की है ना द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट इज वाई थ्री ये थ्री नहीं होता बल्कि माइनस थ्री ओवर टू है आगे चलते हैं द वैल्यू ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन वाई ऑन एक्स एक्सेस तो एक्स एक्सिस के लिए अगर हम लोग कैलकुलेट uh, uh, करना चाहें तो एक्स एक्सेस पे फाइंड आउट करने के लिए वाई को जीरो रखेंगे अगर वाई को जीरो रखेंगे तो हमारा आंसर जो है वो माइनस का थ्री uh, आएगा इसको सॉल्व कर लेते हैं लेट सपोज कि अगर मैं वाई एक्स एक्सिस फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मैं वाई को जीरो रखूंगा जीरो माइनस थ्री ओवर टू तो ये माइनस थ्री वन ओवर टू एक्स उधर जाके प्लस का वन ओवर टू एक्स हो जाएगा इज एक टू माइनस थ्री ओवर टू और ये जो थ्री है ये जो टू है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर तो ये आपस में कट जाएगा तो उसका मतलब ये है कि एक्स इज इकल टू माइनस थ्री है जी ठीक हो गया जी तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बी इज करेक्ट स्लोप ऑफ द लाइन इज स्लोप ऑफ द लाइन वो चीज होती है जो एक्स के साथ लिखी होती है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो ये बात भी गलत है द डिग्री ऑफ इक्वेशन इज जीरो नहीं जनाब डिग्री ऑफ इक्वेशन इज वन 1.6 की तरफ चलते हैं जनाब ये कुछ एक ग्राफ के अंदर कुछ लाइंस हैं इनमें से वो वाली लाइन आपने फाइंड आउट करनी है जिसकी नेगेटिव स्लोप है तो नेगेटिव स्लोप का रूल ये होता है कि लेफ्ट से राइट जाते हुए वो नीचे की तरफ आ रही हो तो अगर हम लेफ्ट से राइट जाएं तो ये भी ऊपर को जा रही है ये भी इधर ऊपर को जा रही है जिसकी नेगेटिव स्लोप है ना वो है जी एम एन और ई एफ तो एम एन जो है वो नीचे भी आपको ऑप्शंस पे नजर आएगी यानी कि इसकी नेगेटिव स्लोप है

इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करते होते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जो constant है है वो -9 के साथ तो नहीं जनाब एक ही वेरिएबल है X. It is a linear equation, नहीं जनाब ये एक quadratic equation है क्योंकि एक्स की जो वैल्यू है वो टू है तो ये वाली ऑप्शन भी गलत है ये भी गलत है और पहली भी गलत है ऑप्शन बी विच इज वैल्यू ऑफ एक्स इक्वेशन इक्वेशन को सटिस्फाई करने से मुराद ये है इस इक्वेशन के अंदर अगर हम एक्स की वो वाली वैल्यू पुट करें तो आपका आंसर जो है वो इक्वल हो जाएगा आंसर जीरो के इक्वल आ जाएगा यानी कि एक्स के वो वाले आंसर फाइंड आउट करने हैं जिसके बाद ये ठीक हो आ, ये इक्वेशन जो है वो ठीक साबित होती है तो अगर हम सारा कुछ एक तरफ कर देंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो ये है जी एक्स प्लस टेन इज इक्वल टू इलेवन एक्स माइनस एक्स प्लस वन और अगर हम लोग सारा कुछ इधर ले आए तो ये बनेगा जी इलेवन एक्स माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स और फिर उसके बाद है जी माइनस टेन ठीक होगा जी तो ये अगर मैं इसको प्रॉपर सॉल्व करूँ तो ये बनता है जी इलेवन एक्स माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस टू एक्स और प्लस वन और माइनस टेन ये हो जाएगा जी माइनस नाइन ठीक होगा जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है अब हम लोग चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ एक्स के साथ इलेवन है

सिंप्लीफाई करना होता है इनक्वालिटी को तो उसके बाद आपके पास आंसर आ जाता है आ, मेरे पास इनक्वालिटी है इनक्वालिटी को बिल्कुल इक्वालिटी की तरह ही सिंप्लीफाई किया जा सकता है सिर्फ इसमें आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इनक्वालिटी का साइन चेंज करना है अगर एक आइटम दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है और वो नंबर जो है वो नेगेटिव नंबर है तो बहरहाल उसकी ज़रूरत नहीं है हम ये सारा कुछ उधर ले जाते हैं इधर आ है जाएगा जीरो तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा जी फाइव एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स माइनस फाइव तो ये हमारे पास बनेगा जनाब फोर एक्स माइनस एट या माइनस एट को उधर ही ले जाते हैं प्यारा लगेगा फोर एक्स इज एकवल टू पॉजिटिव एट और x विल बीक्वल टू एट बाई फोर यानी कि टू तो x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टू ग्रेटर देन और इक्वल टू टू इज द करेक्ट आंसर

प्रॉफ़िट मैक्सिमाइजेशन मोस्टली उस जगह पे होती है जहाँ पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती है ठीक है जनाब लेकिन बहरहल अगर हम इसको पूरा भी सॉल्व करें तो हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर हम लोग कहते हैं जी फाइव एक्स प्लस थ्री वाई लेस देन इक्वल टू फिफ्टी वन और सेवन एक्स प्लस टू वाई लेस देन इक्वल टू फिफ्टी सिक्स तो चलें अब ऐसा करते हैं कि हम इसके सारे के सारे जो है ना वो पॉइंट्स uh, बना लेते हैं और उसको कंप्लीट uh, कर ही लेते हैं फिफ्टी वन थाउजेंड और फिफ्टी सिक्स थाउजेंड ये इस तरह से चल रहा है अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं अगर मैं एक्स जीरो रखूं, अगर मैं एक्स जीरो रखूं तो वाई क्या आएगा और अगर मैं वाई जीरो रखूं तो एक्स क्या आएगा ये मैंने फाइंड आउट करना है ठीक है जी अगर मैं एक्स जीरो रखूंगा तो 3 रह जाएगा, जाएगा, को डिवाइड करेंगे तो 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 आंसर आएगा। अगर मैं y 0 तो 51, आ ये दो सौ ठीक है जी यानी हम करके भी देख सकते हैं फिफ्टी वन थाउजेंडेड बाई फाइव शुड बी टेन थाउजेंड टू हंड्रेड अच्छा अगर मैं एक्स जीरो रखता हूं तो वाई फिफ्टी सिक्स थाउजेंड का हाफ यानी कि ट्वेंटी एट थाउजेंड हो जाएगा और अगर मैं वाई ज़ीरो रखता हूँ तो एक्स एट थाउजेंड हो जाएगा ठीक है जी सेवन इंटू एट फिफ्टी सिक्स होता है तो ये जनाब बहुत इजीली आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स आ गए अब आप थोड़ा सा रफ हैंड के साथ भी ड्रा कर सकते हैं एक्स एक्सेस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा दस हज़ार दो सौ चाहिए तो हम लोग कहते हैं जी ये दो हज़ार है ये चार हजार है ये छः हज़ार है यह आठ हज़ार है और ये दस हज़ार है वाई एक्सेस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अट्ठाईस हज़ार चाहिए तो हम लोग करते हैं जनाब दस हज़ार थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं दस हज़ार बीस हज़ार नहीं जनाब तो पहला पॉइंट है जीरो एंड सेवनटीन थाउजेंड एक्स जीरो वाई सेवेंटीन थाउजेंड डैट विल बी लाइक हेयर एंड टेन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड जीरो ये यहाँ पे होगा तो ये आपकी पहली लाइन बनेगी और इसके नीचे है दूसरा जी ट्वेंटी एट थाउजेंड एंड जीरो और एट थाउजेंड नहीं जनाब तो ऑब्जेक्टिव जो हमारा फिजिबल रीजन है वो ये है और डेफिनेटली फिर ये वाला जो पॉइंट होगा दिस विल बी द हाईएस्ट पॉइंट यानी कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो वो भी मैं इक्वेशन से कर सकता हूँ हम लोग क्या करेंगे मोड के बटन पर प्रेस क्लिक करेंगे और अल्फा ए कर देंगे हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी है जिसमें दो अन वेरिएबल्स हैं तो ये है जनाब फाइव थ्री फिफ्टी वन थाउजेंड दूसरा जनाब सेवन टू फिफ्टी सिक्स थाउजेंड तो हमारे पास एक्स आ रहा जी सिक्स थाउजेंड और वाई आ रहा जी सेवन थाउजेंड तो जनाब एक्स सिक्स थाउजेंड और वाई सेवन थाउजेंड ये है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मैं एक्स के प्रॉफिट को एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ 120 से और इसको इसके प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दू तो बारह बहत्तर और उसके बाद चार जीरो सात लाख बीस हजार का प्रॉफिट एक्स का आएगा और सात आठ छप्पन और उसके बाद चार जीरो पांच लाख साठ हजार का प्रॉफिट जो है वो वाई का आएगा तो इसका मतलब ये है कि सात और पांच बारह लाख अस्सी हजार रुपए का प्रॉफिट जो है वो आप कमा सकते हैं ऑप्शन ए तो जरा दिस वॉज द क्वेश्चन ठीक है जी आ, चलें डेट साइड इस वीडियो में इतना ही बाकी सवाल अगली वीडियो में करते हैं थैंक यू